Welcome back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and today I have come up with another exciting topic. मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताना चाह रही हूँ जिससे आप अपने वोकैबुलरी को, अपने इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आप सभी जानते हैं अल्फाबेट से, यानी अक्षर से बनता है शब्द. ओके, दैट मींस वर्ड्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स, और उसके बाद द वर्ड्स आर फॉर्म्ड इनटू अ सेंटेंस. सो दिस मींस द सेंटेंसेस आर लाइक, जब भी आप बात करते हैं तो आपको एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है. दो, तीन, चार, पांच, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बना देते हैं. तो आप उस काबिल हो जाते हैं कि आप अच्छे से बात कर पाए. तो आज मैं प्रिया इस ट्यूटोरियल में आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाना चाहती हूँ. ठीक है, वैसे तो आप बोलोगे कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो हमने किया है, विच इज कॉल्ड मेक सेंटेंस. ठीक है, सो लेट मी राइट मेक सेंटेंसेस. सो नया क्या है इसमें, मेक सेंटेंसेस में व्हाट इज न्यू इन इट? तो मैं आपको हर चीज हिंदी में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी ताकि आपको समझने में सुविधा हो और आप इसको यूज कर पाए अपने डे टू डे लाइफ में. ओके, यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ ऑन द डेली बेसिस. सो लेट मी स्टार्ट. तो आज मैंने आप लोगों के लिए 5 वर्ड्स चूज किए हैं, 5 शब्द चूज किए हैं. वो शब्द है सन यानी सूरज, ओबे यानी बातें मानना, गार्डन तो आपको पता ही होगा बगीचा, पोलाइट मतलब विनम्र, एंड स्टडी मतलब पढ़ना. तो ये सारे शब्द को मैं लेकर आई हूं और हम लोग इसको नई तरीके से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, तो जैसे अगर आपको बोला जाता है मेक सेंटेंस विद सन, यानी सूरज या सूर्य से आप मेक सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या बोलोगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज गोल होता है, सूरज हमें रोशनी देता है. यानी 3-4-5 वर्ड्स में सेंटेंस फिनिश. मैं आपको बताना चाह रही हूं अगर 3-4 वर्ड्स में सेंटेंस अगर आप खत्म कर देते हैं, शेष कर देते हैं, तो क्या होता है आपके सेंटेंस में वो इम्पैक्ट नहीं आता, वो वेट नहीं आता, वो अट्रैक्शन नहीं आता. तो अपने सेंटेंस को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोगों को कम से कम 7-8 वर्ड्स डालने होंगे, तब आपका सेंटेंस पावरफुल बनता है. तो मैं लिखने वाली हूं, देखिए, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इसका मतलब सूरज जो है वो एनर्जी का माध्यम है, सोर्स है, जो हमें हीट यानी गर्मी और लाइट यानी प्रकाश देता है. सो दैट मींस मैंने कितने शब्द डाले यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मोर देन 7 and 8, राइट? तो आप खुद ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर पाती, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स है, ये भी चलता, छोटे बच्चों के लिए भी ठीक है, सन एनर्जी का सोर्स है. और अगर थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाना है तो क्या बोलेंगे हम, द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस के साथ. सेकेंड सेंटेंस है ओबे. ओबे मतलब बातें मानना. हम क्या लिख सकते हैं, हमें बातें माननी चाहिए, बस किसकी बात माननी चाहिए? तो एक सेंटेंस है, पहले आप सेंटेंस देखिए, वी शुड ओबे
आवर पेरेंट्स कॉमा टीचर्स एंड एल्डर्स. इसका मतलब वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, यानी हमें अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों यानी शिक्षकों के और अपने बड़ों की, अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए. इसको अगर हम यहाँ पे खत्म करते, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 वो इम्पैक्ट नहीं आता. तो आपको सुंदर कब लग रहा है? जब हम अपने मम्मी पापा के यानी माता पिता के, टीचर्स के और बड़ों की बातें मानते हैं, तो सेंटेंस बहुत ही सुंदर लग रहा है ना. तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 शब्दों का इस्तेमाल किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज और है, जब भी आप मेक सेंटेंस बनाते हैं आप उस वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं. जैसे मैंने सन से बनाया तो सन को अंडरलाइन किया, ओबे से बनाया तो ओबे को अंडरलाइन किया. ठीक है, चल लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 3. जैसा मैंने आपको बोला था कि अभी मैं एक इजी सा वर्ड लूंगी, गार्डन. ठीक है, गार्डन यानी बगीचा. सो आई हैव अ लवली गार्डन, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन नियर माय हाउस. ये सब बहुत ही कॉमन है, नॉर्मली सभी बोलते हैं, तो कुछ हटकर लिखते हैं. चल आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन विथ माय फ्रेंड्स. ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं वॉकिंग के लिए गार्डन जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ. यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन विथ माई पेरेंट्स, और यू कैन ऑल्सो यूज विथ माई बेस्ट फ्रेंड. दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं. ठीक है, बट गार्डन में देखिए थोड़ा चेंज किया हमने, ब्यूटीफुल गार्डन ब्यूटीफुल फ्लावर्स इस बारे में तो नहीं लिखकर मैंने लिखा है कि हम वॉक के लिए गार्डन में जाते हैं विथ माई फ्रेंड्स, और इवन आप ये ऐड कर सकते हैं इन द इवनिंग, यानी शाम को मैं जाता हूँ या जाती हूँ. ठीक है, सो अंडरलाइन करना है हमें गार्डन को. चलिए लेट्स मूव टू नंबर 4. मैंने एक शब्द लिया है पोलाइट. पोलाइट मतलब विनम्र, यानी बहुत ही मृदुभाषी या स्वभाव बहुत ही जब कोमल या मीठा होता है तब हम उसको पोलाइट बोलते हैं. सो क्या बोल सकते हैं, शी इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट. बहुत ही छोटा शब्द और बहुत ही छोटे से सेंटेंस के साथ हम लोगों को रुकना पड़ेगा. बट नाउ व्हाट वी कैन से, लेट्स सी. Everyone likes my mother for her polite nature. ठीक है, so मैंने underline कर दिया polite को. हर कोई मेरी माँ को पसंद करता है क्योंकि उनका नेचर बहुत ही मृदु है, बहुत ही कोमल है, और वो बहुत अच्छी तरह से सबसे बातें करती हैं. तो ये सेंटेंस हुआ कितने शब्द का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन 8. मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम 7 या 8 शब्द रहे तो वजन आता है सेंटेंस में. सो पोलाइट से एवरीवन लाइक्स माई मदर फॉर हर पोलाइट नेचर. नेचर मतलब स्वभाव. ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, नंबर 5. व्हाट इज, लेट्स टेक स्टडी, यानी पढ़ाई करना.
ठीक है. सो व्हाट कैन यू से, आई स्टडी इन द इवनिंग, माई टीचर मेक्स मी सिट टू स्टडी इन द इवनिंग. सो ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं. कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ स्पेशल लिखते हैं. अगेन मैं बोलना चाहूंगी, ऑलवेज सेंटेंस को इतना वजनदार बनाइए, इतना इम्पैक्टफुल बनाइए, ताकि आपके सेंटेंस जब आपके मुंह से निकले तब लोगों को आए समझ में कि नो शी और ही नोज इंग्लिश. ओके, तो ट्राई टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, ट्राई टू मेक इट सो नाइस व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ. सो क्या लिखे, आई विल study hard to become an engineer. ठीक है. So that means मैं मेहनत करूंगा या करूंगी बहुत ज्यादा इंजीनियर बनने के लिए. यहां पर आप डाल सकते हैं आई विल स्टडी हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर, आई विल स्टडी हार्ड टू बिकम एन MBA. सॉरी. सो अभी देखिए मैंने कितने सारे शब्द का इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8. तो मेरे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये 7 या 8 होते हैं. इससे कम का मैं सेंटेंस नहीं कंस्ट्रक्ट करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा बड़ा हो तो इट विल बी जस्ट अमेजिंग. ओके, सॉरी. तो आप यहां पे एक चीज गौर कीजिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. लाइक सन एक नाउन है, नाउन मतलब विशेष नाम, ठीक है, यानी संज्ञा. ओबे वर्ब है यानी क्रिया. गार्डन फिर से संज्ञा यानी नाउन. पोलाइट जो है वो एडजेक्टिव है यानी विशेषण. और स्टडी यानी वर्ब. सो ये 5 शब्द हैं जिससे मैंने आपको मेक सेंटेंस बना के दिखाया. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड से मेक सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज मुझे बॉक्स में लिखकर, मैसेज बॉक्स में लिखकर पूछिए. मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी. और इस तरह से हर बार आपको नए 5 शब्द मिलेंगे, और इन 5 शब्द को करते करते आप इतने अच्छा सीख जाएंगे. यू विल लर्न सो नाइसली सो दैट यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग. Because as I've told you, I'm repeating that once again, with alphabets words are constructed, with words sentences are constructed, and with these sentences paragraphs are made or constructed. So एक अच्छा सा paragraph लिखने के लिए आपको अच्छे से अच्छा grammatically correct और with good words अच्छे अच्छे vocabulary वर्ड्स यूज करके आपको सेंटेंस मेकिंग करना होगा, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके. ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट टू मी. आई विल श्योरली आंसर यू. लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.